हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्नोफॉल के बारे में कि स्नोफॉल देखने में जितना सुंदर होता है ना, उतना ही खुद एक्सप्लोर करने में इतना डेंजर होता है। बहुत ही ज़्यादा सावधानियाँ इसमें बरतनी पड़ती हैं। आगे आप देख सकते हो वीडियो में क्या हालत। और एक गाड़ी स्लिप, अरे बहुत हो गई ना, बुरी हालत स्नो हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो प्रॉब्लम तो होनी होनी है भाई साहब। गाइस ये भी देखो बैक की आ रही है, कैसे पानी की तरह ले रही है, देखो कैसे स्लिप हो रही है। बस ओ माय गॉड, बस बिल्कुल चली गई। देख रहे हो आप कितनी बुरी हालत हो रही है, इतनी ज़्यादा स्नो हो रही है और गाड़ियाँ भी सारी इतनी स्लिप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। भाई साहब स्नोफॉल तो देखने में बहुत ही औसम लग रहा है, लेकिन जो हालत है यहाँ हम बहुत गंदी तरह फंसे थे, हमें पता है क्या ही हालत हुई थी यहाँ की। तो भाई आप पहले इंजॉय करो ये स्नोफॉल, फिर आपको बताते कि भैया स्नो में आप जाओ तो नॉर्मल गाड़ी है तो आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, और अगर 4x4 है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बाकी छोटी गाड़ी है नॉर्मल 2-व्हील ड्राइव है तो क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। तो भाई पहले नंबर पे आता है कि टायरों की तो हवा कम रखें पहली बात, क्योंकि स्नो में अगर भाई ग्रिप बनाएगा टायर तो हवा कम होगी तभी बनाएगा। टायर टप्पे ठीक होने चाहिए क्योंकि बिल्कुल घिसे हुए होंगे तो स्लिप मारेंगे। नंबर दो भाई बिल्कुल आराम से गाड़ी चलानी है, अगर स्पीड पकड़ोगे 10-5 की स्पीड चलना है बिल्कुल पहले या दूसरे गियर में आराम से, क्योंकि भाई जब स्नो में आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी रुकने की बजाय सीधी खाई में ही जाएगी, अपना रास्ता खुद ही बनाती है, जहां मर्जी घुस जाएगी। इसलिए आप ब्रेक को कम यूज करें क्योंकि भाई बहुत जल्दी स्लिप होती है, इसलिए स्लो ही चले बिल्कुल। और भाई लास्ट ऑप्शन ये है कि आप हो सके एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर ले सकते हैं और स्नो चैन यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल रोड पे स्नो चैन यूज नहीं करनी है, स्नो में ही यूज करनी है, नहीं तो टायर आपके डैमेज हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।